रूप में मैं बुलाना चाहता हूँ सुश्री गायत्री हिरासकर जी को, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं और आप एक छात्रा हैं। तो आइए सुनते हैं सुश्री गायत्री हिरासकर जी को। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। मैं गायत्री हिरासकर एनिमेशन स्टूडेंट हूँ पुणे से। यहाँ से ऊर्जा उपचार से मुझ में बहुत बदलाव आया है। मैं पहले जैसे बहुत चिढ़ जाती थी लोगों पे और उनसे बहुत मतलब उनकी आलोचना करनी रख जाती थी कि वो लोग क्यों नहीं सुनते। उनके व्यवहार से मुझे बहुत अफेक्ट होता था, लेकिन यहाँ से जुड़ने के बाद मेरा आलोचना करना कम हो गया है और बल्कि ना के बराबर हो गया है। मेरा आक्रोश कम हो गया है और किसी भी विषम परिस्थिति में मैं उत्तेजित नहीं होती। तो न्यासों सिर्फ सतह पे काम नहीं करता, लेकिन मन पे, अंदरूनी मन पे काम करता है और ये बहुत आवश्यक है हम लोगों को समझना। तो उसमें बदलाव आ सकता है तो बाकी लोगों में भी बदलाव आ सकता है अगर हर एक व्यक्ति समाज को बनाता है। अभी जितने जितने भी लोगों ने बोला तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि न्यास योग क्यों होता है, क्या होता है, उसका अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया। तो इतने सारे व्यक्ति अगर बदल सकते हैं तो यही तो समाज बनाते हैं और समाज में बदलाव में यही लोग सहायक बनेंगे। और मैं क्यों बदलू और दूसरों को बदलना चाहिए, ये भाव अगर लेके समाज में लोग रहेंगे तो फिर सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। शुरुआत अपने आप से होती है और यदि हर व्यक्ति अपने लेवल पर अभ्यास करे और अपने आप को बदलने का प्रयास करे तो समाज में बदलाव आवश्यक आ सकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर गायत्री, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत वाह, छोटा और बहुत सार गर्भ। बहुत अच्छा बात। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री गायत्री हिरासकर जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए